तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले वो समझ लो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। किशोर से विवेक जो है 5 साल बड़ा है। किससे? विवेक जो है किशोर से 5 साल बड़ा है, यहाँ पर बोला है। मान लो किशोर जो है वो 5 साल का है, किशोर कितने साल का है? 5 साल का। तो विवेक उससे 5 साल बड़ा है, मतलब कितने साल का हो जाएगा? 10 साल, जिसको हम लिखेंगे 5 + 5। अगर किशोर 10 साल का रहता तो विवेक होता 10 + 5, क्योंकि विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। तो उसका आंसर हम लोग ऐसे ही लिखते कि किशोर से 5 साल बड़ा है, मतलब 10 + 5, अगर किशोर 10 साल का होता तो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को, लेकिन यहां पर ये नहीं बोला ना किशोर कितने साल का है, विवेक कितने साल का, ये नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां मान लेंगे कि लेट किशोर प्रेजेंट एज, किशोर की जो प्रेजेंट एज है, आज की जो एज है वो कितनी है उनको नहीं पता है, इसका मतलब एक्स है। अगर किशोर एक्स ईयर का है तो विवेक कितना हो जाएगा? x + 5, किशोर से 5 साल बड़ा। किशोर x साल का है तो विवेक x + 5 है। तो यहाँ से हमको पता चल जा रहा है किशोर की अगर प्रेजेंट एज x है तो विवेक की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगी? x + 5। कितनी हो जाएंगी? x + 5। ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। उन्होंने बोला है इन दोनों की जो उम्र है, जैसे किशोर की उम्र है x और विवेक की उम्र है x + 5, इन दोनों की उम्र का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोलते हैं अगर किशोर की उम्र x है तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/x, अगर विवेक की उम्र x + 5 है तो उसके रेसिप्रोकल आएगा 1/x + 5, इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। तो इस दोनों का रेसिप्रोकल को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1/6, ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखो ये फ्रैक्शन हो गया, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, डिवाइड में। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? उनका पहला यही है कि दोनों के डिवाइड, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, मतलब नीचे वाले सेम है क्या? नहीं है। तो हमें लोग को क्या करना है, इसका ऊपर वाला और इसके नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। x + 5 को 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा? x + 5। उसके बाद ये साइन लगाओ प्लस, अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 × x एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को x + 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को x + 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर आपका 1/6 ही रहेगा, इधर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा x + 5 + x अपॉन नीचे हो जाएगा x × हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो नीचे डिवाइड में इसको मैं क्या करूँगा, ये साइड लेकर जाऊँगा, लेफ्ट साइड वाली चीज़ को राइट साइड लेकर जाऊँगा, तो वो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वही रहता है, तो ये 1 से आपको ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होके वही बन जाएगा, नीचे 6 है। आया समझ में? हाँ, अब हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, x + x कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि दोनों x वाले टर्म है, ये और ये, और बचा क्या है, +5 = यहाँ पर देखो आपके पास क्या बच रहा है, x × x, यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, x × x, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x² हो जाएगा, प्लस इसी एक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे 6 है, अब मैं क्या करूँगा, ये वाले 6 को ये साइड उठा कर ले जाऊँगा, तो ये साइड उठा के ये जो ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि राइट साइड में अगर डिवाइड है तो ये साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 को दो इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 × 2x, 6 × 2 = 12x, यही 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, और राइट साइड है वो क्या है, x² + 5x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत इजी। अब क्या करूँगा, ये दोनों जो है इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाऊँगा, 12x और 30 पहले से लेफ्ट में, ये दोनों को भी उठा के लेफ्ट में लेके आऊँगा, x² का भी इधर लाऊँगा तो इधर आके हो जाएगा -x², क्योंकि राइट में प्लस में है, 5x को भी उठा के लाऊंगा तो ये भी हो जाएगा -5x, पहले से क्या मौजूद है लेफ्ट में, 12x मौजूद है, 30 मौजूद है, और राइट में बचा 0, राइट में कुछ भी नहीं बचा, तो आपका यहाँ पर आंसर बच रहा है -x². अब आप ये देखो -5x + 12x, 12 में से 5 गया, कितना बचेगा, 7x, और बड़े के साइन प्लस, या +30 = 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आपके पास 3 मेथड है, फॉर्मूला वाली, फैक्टराइजेशन, या फिर एक है आपका स्क्वायर मेथड, कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड से। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ -x² + 7x + 30 = 0, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, देखो क्या करूँगा, x² के साथ जो नंबर है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो ये हो गया -1, उसको मल्टीप्लाई करूँगा कॉन्स्टेंट नंबर के साथ जो कि 30 है, ये हो जाएगा 31 + 30 प्लस -, उसके 2 यहाँ पे रूट्स निकलेंगे, यहाँ पे उसके 2 नंबर निकलेंगे। अब मुझे दो ऐसा नंबर चाहिए जब उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा -30, और इन्हीं दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा आंसर आ रहा है +7।
सॉरी 70 लिख दिया, प्लस 7, समझ में आया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए माइनस 30, और इन्हीं दोनों को जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए प्लस 7। तो ऐसा कौन सा नंबर है वो आपको यहाँ पे निकालना है, वो है 10 3 ज़ा। वैसे 6 5 ज़ा 30 होता है, लेकिन इसको प्लस माइनस करने पे आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 10 3 ज़ा 30, तो आपको दो नंबर मिल गया, 10 3 ज़ा 30 और 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7, ये आपको दो नंबर मिल गया। अब बात आती है साइन की, साइन की साइन क्या रखना है। अब आप देखो आपका आंसर ये जो ऊपर वाला प्लस में है या माइनस में, ये अगर माइनस में है तो दोनों की साइन अलग अलग आएंगे, दोनों की साइन अलग अलग आएंगे, एक की प्लस आएंगी तो एक की माइनस आएंगी। तो आपको यहाँ से पता चल गया, अगर ये प्लस में होता ना दोनों की साइन सेम होती थी, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका ये मतलब है कि इसमें से एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो यहाँ पर पता चलता है, 7x के साथ क्या साइन है, प्लस है, तो बड़े नंबर प्लस आएगा मतलब छोटा नंबर माइनस आएगा, तो ये दो नंबर आपको मिल गया। अब हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 7x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये लिखेंगे प्लस 10x माइनस 3x और आगे लिखेंगे प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है, ये देखो कॉमन निकालना है। मैं आपको एक चीज़ और सलाह दूंगा, क्या करो आप, ये जो साइन है इसको उल्टा कर दो, पहले वाली साइन हमेशा प्लस में होना चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी पड़े, तो ये साइन को उल्टा कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 10x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 3x आपका माइनस में है तो प्लस में कर दो, और 30 आपका प्लस में है तो माइनस में कर दो, सारी साइन उल्टी कर दो, उल्टा हो गया। आप कॉमन निकालो, देखो एक्स स्क्वायर और 10x में x कॉमन है, x बाहर निकाल दिया, यहाँ से x बाहर निकाला x अंदर बचा माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया तो 10 बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ 3 कॉमन बाहर निकल गया अंदर बचा x। अब ये देखो ये जो 30 है 3 के टेबल में कितने पे आता है, तो वो आता है 10 पे, और ये माइनस, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर x माइनस है। आपकी ये जो दो ब्रैकेट है सेम आना चाहिए, तो ये हो गया x माइनस 10 कॉमन एक ब्रैकेट ले लो, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आप दोनों को अलग अलग कर देंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ, ये माइनस 10 अगर उधर गया तो क्या होगा, माइनस 10 अगर राइट साइड में गया तो प्लस 10 हो जाएगा, और क्या है देखो यहाँ पे प्लस 3 अगर राइट साइड में गए तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो ये माइनस 3 हो गया। एक x की वैल्यू आई प्लस 10, एक x की वैल्यू आई माइनस 3। अब आपको यहाँ पर दो x की वैल्यू 2 है, तो कौन सी लेना है, आप क्वेश्चन में एज की बात हो रही, उम्र की बात हो रही, उम्र हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आपको x इज इक्वल टू 10 लेना है, इसको आपको निगलेक्ट कर देना है। हमारा आंसर x इज इक्वल टू 10 आ गया, इसका मतलब किशोर की एज कितनी आई 10, और उसी हिसाब से विवेक की एज कितनी आएगी 10 प्लस 5, जिसको आप लोग बोलेंगे 15, तो विवेक की एज 15 है, किशोर की एज 10 है।